अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान जाजिट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे से पहले आपसे दरख्वास्त, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा जरूर दीजिएगा। आज जिस हलके पे बात कर रहे हैं, जिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, बड़ी अहम डिवीजन है, पंजाब की बहावलपुर डिवीजन है। इसमें बहावलनगर के भी जो हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो भी आपको बताएंगे, और बहावलपुर के जो उम्मीदवार हैं वो भी आपको बताएंगे कि बहावलपुर से कौन कौन सा कैंडिडेट है और बहावलनगर से कौन सा कैंडिडेट है। तो शुरू करते हैं, बहावलनगर से शुरू कर लेते हैं। 160 है बहावलपुर का हलका नंबर एक जो है, वो 160 है बहावलनगर का। इसमें पीएमएलएन के 2018 में मोहम्मद अब्दुल गफार बटू 1,02,000 वोट लेकर ये कामयाब हुए थे, जीते थे। और पीटीआई ने जो इस वक्त टिकट दी है, डॉक्टर नूर गफारी को टिकट दी है। और पीछे जो था असगर शाह साहब थे, जिन्होंने मोहम्मद अब्दुल गफार बटू का मुकाबला किया था, ये आजाद कैंडिडेट थे और उन्होंने 93,000 वोट लिए थे। और अब इस हलके में जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और असगर शाह ग्रुप के दरमियान ही है, इन दोनों के दरमियान नेक टू नेक मुकाबला है। पीटीआई यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आया, क्योंकि डॉक्टर नूर गफारी ये 1990 की से जो थी उसमें पॉलिटिक्स में रहे हैं, तब ये एमएनए के मुंतखब वहाँ पर हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून से इनकी वाबस्तगी थी। लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़े से कमज़ोर कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुकाबला पीएमएलएन के मोहम्मद अब्दुल गफार पट्टू जो 2013 में भी जीते थे, 2018 में भी जीते थे, आज़ाद जो है वो असगर शाह, उनके साथ इनका मुकाबला है। 161 यहाँ पर 2018 में आलमदाद लालिका यहाँ पर जीते थे इलेक्शन, और अब भी मुस्लिम लीग नून ने आलमदाद लालिका को टिकट दी है। नए के जो खिलाड़ी हैं वो पीटीआई के शाहद अमीन अकोका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं आलमदाद लालिका के मुकाबले में। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये नून लीग ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किए हुए हैं, नून लीग ने यहाँ पर बड़ी तादाद में सीटें ली हुई हैं। अगर जब बहावलपुर की आएगी तो बहावलपुर में भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन पीएमएलएन ने 2018 में यहाँ पर अक्सरियत हासिल की थी, बल्कि क्लीन स्वीप यहाँ पर किया था। 161 मैंने आपको बता दिया है आलमदाद लालिका मुस्लिम लीग नून शाह अमीन अकोका पीटीआई के। 162 यहाँ पर 2018 में चौधरी एहसानुल्लाह बाजवा जीते थे, मुस्लिम लीग नून के एक कैंडिडेट थे, और अब भी मुस्लिम लीग नून ने चौधरी एहसानुल्लाह बाजवा को टिकट दी है मैदान में। कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, 2018 में ये जीते थे, ये उनके मुकाबले में है चौधरी खलील अराई, यहाँ पर इनका मुकाबला कर रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो चौधरी खलील अराई हैं, और चौधरी एहसानुल्लाह बाजवा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। और अगर बात करें 163 की, तो 2018 में यहाँ पर नूरुल हसन तनवीर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे, और अब भी मुस्लिम लीग नून ने नूरुल हसन तनवीर को टिकट दी है मैदान में। बेचारे के तलत महमूद बसरा यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, शौकत बसरा साहब के ये भाई हैं, तलत महमूद बसरा यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, और ज़िया लीग जो है ज़ियाउल हक के बेटे की, वहाँ पर एजाजुल हक ज़ियाउल हक के बेटे वो यहाँ पर कैंडिडेट हैं। 163 का इलाका मरोट फोटाबास ये सारा हल्का इसमें आता है। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है, 163 नूरुल हसन तनवीर तलत महमूद बसरा पीटीआई के और एजाजुल हक के दरमियान यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है। ये एनए थी ये जो बहावलनगर के कौमी असम्बली की सीटें हैं, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किए हुए हैं। अब भी अगर अच्छा अगर मैं आप थोड़ी माजर चाहता हूँ, मैं एक बड़ा अहम कैंडिडेट भूल गया, यहाँ पर 160 से 7 रिजवी जो टीएलपी के यानी कि लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी जो तरीके पैक का भी यहाँ पर वोट है। अब बात कर लेते हैं बहावलपुर की, 164 बहावलपुर का हलका है, और यहाँ पर रियाज हुसैन पीर ज़ादा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहावलपुर में जो कौमी असम्बली की तकरीबन 5 सीटें हैं, सूबाई असम्बली की 10 यहाँ पर सीटें हैं। 2013 में यहाँ पर पीटीआई कोई कौमी असम्बली की सीट नहीं ले सकी थी, 2018 में पीटीआई ने यहाँ पर डंट डाला था, 2 कौमी असम्बली की सीटें इन्होंने जीती थी, और पीपी की 3 यहाँ पर सीटें हासिल की थी। और अब जो बात कर रहे हैं 164, अब अगर बात करें 164 की, तो यहाँ पर बहावलपुर का इलाका यहाँ से शुरू होता है, पहला हल्का बहावलपुर का, रियाज हुसैन पीरज़ादा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं रियाज हुसैन पीरज़ादा मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एजाज घटन यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 166 की बात करें, तो यहाँ पर समीउल हसन गेलानी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पिछली दफ़ा भी जीते थे, उनके मुकाबले में कवल शोजब हैं,
वो अभी रुपोश हैं, लेकिन उनकी कैंपेन, उनकी जो सिपाही असेंबली के उम्मीदवार वो वहां पर चला रहे हैं। 167 मोहम्मद उस्मान अवैसी या नजीब अवैसी साहब के साहबजादे हैं। 2013 में और 2018 में यहाँ पर नजीब अवैसी यहाँ पर जीते थे 167 में। अब इनके मुकाबले में नए कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक महबूब अहमद, ये यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 168 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहम्मद इकबाल चन्नर इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से समीउल्लाह चौधरी वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में यहां पर कोई कौमी असम्बली की सीट नहीं जीत सकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2018 में दो जो पीटीआई ने कौमी असम्बली को 322 असम्बली की सीटें यहाँ पर हासिल की थी, जिसमें तारक बशीर चीमा का भी इनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद था, तो वो भी 222 असम्बली की सीटें थी। सैयद समीर असलम गिलानी जैसे जो थे वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। फिर मलक फरूक आजम जो वो सियासत से बाहर हो गए थे। जैन अब्बासी जो थे वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट थे MNA के आज़ाद, उन्होंने यहाँ से मुकाबला किया था। तो ये बहावलपुर और उसके साथ जो बहावल नगर के कैंडिडेट हैं जो अब लड़ने जा रहे हैं 160 से 168, ये मैंने आपके सामने कंपैरेटिवली वो रखे हैं। अगर रहीम यार खान की बात करें तो रहीम यार खान में 169 पर सैयद मुबीन अहमद मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा सलीम, 170 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शेख फयाज अहमद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मियाँ गौस वहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 172 में मियाँ इम्तियाज पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से, और जुवेद इकबाल फड़ाइच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 173 अजीज तारंग यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ब्रिस्टर नबील दीर ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 174 मोहम्मद अजहर खान लगारी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रईस महबूब यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं। इनका भी तकाबली जायजा रहीम यार खान का भी आपको अगली वीडियो में पेश करेंगे कि यहाँ पर माजी में क्या होता रहा है। बहरहाल माजी में यहाँ पर हम ये देखने रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं या मुस्लिम लीग नून का जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, यहाँ पर आप भावल नगर के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी तवज्जो नहीं है, इनका सोशल मीडिया भी वहाँ पर बहुत कम है, यानी कि वहाँ पर कोई इनकी एक्टिविटी हमें सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आती भावलपुर की और भावल नगर की सियासत की। तो मुस्लिम लीग नून यहाँ से 2013 में भी एक अक्सरियत बनाने में कामयाब हुई थी, 2018 में भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें तो निकाली थी, लेकिन अक्सरियत फिर भी मुस्लिम लीग नून की रही थी। तो अब भी मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं लोगों को टिकट दिए हैं कि जो पहले से इलेक्शन जीते हुए आ रहे हैं। 8 फरवरी को फैसला होना है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि PMLN या PDI या तरीके लबैक या पीपल्स पार्टी कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आप भावलपुर या भावल नगर से हैं तो आप किस MNA या MPA को सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह के बाद।